भाई भाई, ग्रीन सिटी गांधीनगर हम लोग अभी जा रहे हैं आपका घर में, हमारा घर में मतलब बैक टू आसाम। हम लोग रहा था यूथ हॉस्टल में। हॉस्टल का सिस्टम थोड़ा ख़राब है क्योंकि ये कितना 80 रुपये का रूम था, सो सिस्टम तो ऐसे बनाना पड़ेगा एक रात के लिए। सो इधर से हम लोग निकल रहे हैं सीधा, हम लोग उबे किया है मतलब गांधीनगर से अहमदाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग का कल सुबह का मतलब फ्लाइट है सुबह 6 बजे। सो रात को निकलना पड़ेगा और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एयरपोर्ट को ट्रेन स्टेशन बना देगा और बाहर में ही सो जाएगा बिस्तर लगा के, देखते हैं सिस्टम क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ अहमदाबाद और उसके बाद चलिए सीधा आसाम। सब बनते रहे गोविंद शर्मा के साथ। हम लोग पहुंच गया अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल उस तरफ है। सो हम लोग आज पूरा रात इधर ही बिताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का फ्लाइट है सुबह 6 बजे। सो क्योंकि हम लोग पहले सोच ले कि बाहर में मतलब होटल वगैरह में रहेंगे तो बहुत पैसा जाएगा, 500 1000 रुपये ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग ये ठान लिया कि हम लोग इधर ही सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे, फिल्म देखेंगे, ऐसे पूरा रात बिता देंगे। और दोनों फास्ट फूड वाला आदमी है, उतने ले लिया फास्ट फूड और मैंने ले लिया कुछ मतलब यह क्या अमरुद और एप्पल ले लिया दोनों फास्ट फूड वाला। एक्चुअली मुझे मेरे से फास्ट फूड इतना नहीं होता है बहुत, मतलब ऐसा नहीं हम नहीं खाते हैं, बहुत तकलीफ आ गया, बहुत दिक्कत आ गया, बहुत इमरजेंसी आ गया तब खाते हैं, लेकिन इसे दिखाने के लिए तो खा जाऊंगा वीडियो में, कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं रात कैसे गुजरते हैं, बनते रहिए आसाम तक मेरे साथ। थैंक यू। दुलो क्या लिया तूने, क्या है? आलू पराठा लिया दुलू ने, आलू पराठा। गुजरात का अमरुद खा खा के बहुत स्वादिष्ट है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फास्ट फूड वगैरह के ज़्यादा वो लोग एवॉइड करके हम लोग एयरपोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना सही है, इसलिए दुलू मोटा हो गया। अच्छा मैं फ्रेंड हूँ तेरा, देख इधर में एयरपोर्ट में कुत्ता को भाव देने वाला कोई नहीं है। देख मुझे तुमको बहुत पसंद है, रात में कोई नहीं, पूरे रात मेरा फ्लाइट सुबह है। तो दुलू तो उधर चला गया, मेरे साथ कोई नहीं है, तुम और मैं बात करूँगा सुबह तक। तू इधर बैठ जा, बैठ बैठ ना, तू बैठ बैठ बैठ, बस हो गया, बैठ जा, सो जा सो जा, आराम से सो जा। खुजली कहाँ हो रहा है? हाँ खुजली कहाँ हो रहा है? इधर है, गुजारूंगा ना। हमारा घर में ना दो है तेरे जैसा, एक लड़की भी है और एक जवान लड़का तेरा जैसा। तेरा कितना साल हो गया? बीवी है घर पे? नहीं है। अरे भाई कोई नहीं कोई नहीं, सिंगल इज लाइफ इज बेस्ट, सिंगल इज बेस्ट, सिंगल इज बेस्ट। देख ये एयरपोर्ट में ना तुमको एक दिन मैं लेके जाऊंगा, अगर तुम मुझे याद रखेगा बाद में जब आऊँगा तुम। अरे मत दिखा दांत, मत दिखा, तेरा दांत बड़ा है मुझे मालूम है। पानी पीने के लिए पानी पी लिया, आजा। रात को 12 बजने वाला है और दुलू और मैंने एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन बना लिया और दुलू ऑलरेडी सो गया, सो गया बिस्तर बना के। तो 3 घंटा पहले मतलब रात को, मतलब सुबह सुबह, मतलब रात नहीं मतलब सुबह 3 बजे हम लोग को 3 घंटा पहले बोर्डिंग मिल गया, क्योंकि एयरपोर्ट में आप लोग को 3 घंटा पहले बोर्डिंग मिल जाता है। हम लोग एक घुस गया अहमदाबाद के एयरपोर्ट के अंदर, और इधर ये बच्चा भी ना कितना प्यारा है, और हम लोग ऑलरेडी मतलब फ्लाइट के लिए निकल पड़ा। अभी भी मतलब ये अंधेरा नहीं होता, मतलब अंधेरा हो रहा है, मतलब अभी अभी मतलब सूरज नहीं निकला, अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये कनेक्टिंग फ्लाइट है तो हम लोग निकल रहे हैं कि जयपुर के, और वो इधर का फ्यूलिंग चल रहा है, मतलब रिफ्यूल कर रहा है फ्लाइट को ताकि ये आराम से चल सके, ताकि आसमान में कुछ वर ना हो सके। तो हम लोग फाइनली पहुंच गया मतलब जयपुर। ये जयपुर में हम लोग का 5 आवर्स का मतलब रेस्ट है। तो ये 5 आवर्स क्या करने पड़ेंगे, वही सोच के दोलू और मैं कुछ ये सोचा कि खाना का ठिकाना लगाते हैं, ये सोच के हम लोग बाहर निकल के आ गया जयपुर के बाहर। ये बाहर का सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर में अभी पूछना पड़ेगा कहाँ खाना मिलेगा, क्योंकि हम लोग आसाम वाला है, हम लोग खाते हैं राइस, तो इधर तो हम लोग को राइस नहीं मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे पहले चाय पीने का सिस्टम कर लेते, उसके बाद हम लोग चल लेगा
कुछ पूरी उड़ी हो जाए तो, क्योंकि हम लोग का इतना रास्ता रास्ता भी पता नहीं, बात पे खो ना जाए हम लोग कहीं जयपुर में, क्योंकि जयपुर सिटी बहुत 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 वो है तो देखते हैं सिस्टम क्या बनते हैं। हम लोग इधर के सासा के साय के दुकान में पहुंच गया, इधर में हम लोग ऑलरेडी एक साय का कप पी लिया, अभी दूसरा वाला साय के लिए वेट कर रहा है। सासा बोल रहे हैं इतना साय पिएगा, हम बोला कि हम तो आसाम वाला है, साय तो पीना ही पड़ेगा सासा पी। और इधर का साय बहुत टेस्टी लगा आसाम से मुझे, क्योंकि मेरा इधर मसाला वसाला बोर्ड ये सब डाल लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग साय आई पी के हम लोग चल पड़े पूरी रोटी ढूंढने के लिए हम लोग को, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हम लोग, क्योंकि लास्ट नाइट से पुइट्स और आलू पराठा खाया था। तो अभी देखते हैं क्या होते हैं, इसे भी हम लोग ये जगह तो बहुत अच्छा लगी है पूरा थोड़ा, ऐसे भी एयरपोर्ट की बाहर तो बहुत अच्छा ही होता है ग्रीन ग्रीन टाइप का। उसके बाद हम लोग पहुंच के अंदर फिर से बोर्डिंग करके, अभी मतलब मेरा थोड़ा नींद भी आ गया तो अंदर थोड़ा सो लिया, इसलिए मुँह वो धो लिया। धोने के बाद अभी मतलब कुछ मतलब एक घंटा बाद मेरा मतलब पूरा फ्लाइट में उठ जाएंगे, उठने के बाद हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे आसाम। तो हम लोग का मतलब बोर्ड ये सब टिकट विकट से कर लिया, हम लोग निकल पड़ी है मतलब ये फ्लाइट के लिए। तो यही फ्लाइट लेके जाएगा हम लोग को सीधा आसाम, और आप लोग को लास्ट तक बनते रहिए, क्योंकि हम लोग आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि आसाम का मेरा घर का व्यू कैसा होता है, क्योंकि मैं एकदम गाँव का हूँ। और आज थोड़ा लाइन थोड़ा लंबा लग रहा है, लंबा मतलब ऐसे ही लाइन तो लंबा ही है, लेकिन आज ज़्यादा देर वेट करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि लगता है अंदर कुछ सिस्टम वो चल रहा है, मेरा मतलब वो नहीं। और मुझे विंडो सीट मिल गया, मुझे नहीं मतलब दुल्लू को मिला, मुझे मिडिल सीट मिला। फिर भी मेरा मेरे मोबाइल थोड़ा वर्क करके मैंने वीडियो लेने का कोशिश किया, यही वो पंखा है जिसे हम लोग को लेके जाएगा, पंखा मतलब यही उसका मतलब क्या बोलूँगा चला पता नहीं। तो उसके बाद अभी देखते हैं, अभी सूरज भी ऐसे धीरे धीरे निकल गया, क्योंकि अभी मतलब तेज़ धूप की भी आने का चांसेस है। और मेरे आगे इधर में क्या लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये निकल पड़ी उसका मतलब ये पंखा का कुछ ये सिस्टम खुल गया और ये धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा है, हम आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग सीधा लैंडिंग करेंगे आसाम गुवाहाटी में आप लोग। अरे कहाँ पहुँच गया, हाँ मैं पहुँच गया आसाम। ये हरा भरा मतलब पहाड़ के किनारे की ओर से हम लोग बढ़ रहे हैं अभी नाइट सुपर में, क्योंकि मैं जहाँ उतरा उधर से मेरा घर होगा कम से कम मतलब 500 किलोमीटर। सो हम लोग का नाइट सुपर है शाम को 6 बजे, और 6 बजे हम लोग निकल गए तो सुबह हम लोग 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और इधर का खूबसूरत देखिए आसाम का, इसको बोलते हैं डीपर बिल, इधर का बहुत अच्छा अच्छा मछली मिलता है, बहुत लोकल वाला टेस्टी वाला, आप लोग आने से इधर से मछली खरीदना ज़रूर है। मैं अभी पहुंच गया मिशन सरेली, रात बहुत हो गया 12 बज गया ऑलमोस्ट, और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के रूम में, मोबाइल का चार्ज भी नहीं है, आप लोग मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे पता नहीं। तो आज रात मैं रहूँगा मिशन सरेली अपने दोस्त के रूम पर, कल सुबह अपना घर पे जाऊंगा। सो ये अंधेरा बंधेरा को इग्नोर करके आप लोग देखते जाइए बाकी का पार्ट्स, क्योंकि आ रहा है धमाका टाइप का अपना घर का। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिशन सरेली, अभी मैं उठ के बस में, अभी ये बस जाएगा सीधा मेरे घर के पास तक, मतलब मेरे टाउन तक लखीमपुर तक। तो उसके बाद फिर मुझे दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा अपना घर ढकुआखाना तक, ढकुआखाना नहीं घीलामा तक। तो बस देख रहे पूरा खाली खाली है। तो दोस्तों हम पहुंच गया मेरा घर, एक्चुअली रात का मतलब सीन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि रात में क्या दिखाएंगे, और सुबह में मतलब बस में आने का सफ़र ये सब दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा सोचा तो नहीं दिखाया, सीधा मैं घर में पहुंच गया। घर में पहुंचने के बाद मैं देखा, मैं सोचा कि थोड़ा घर का लुक तो हम लोग का इधर का मतलब कैसा मतलब होता है मतलब एनवायरमेंट वो दिखाने के लिए सोचा था। तो फाइनली ये है मेरा घर, घर के आगे मेरा फूल है बहुत सारा, और ये हम लोग का लोकल बाबा, इसका नाम है बाबा, ये अभी प्रेगनेंट है। मैं सोच रहा ये 5 बच्चा दे दे, क्यूटी क्यूटी सोनू मुनू टाइप का, थोड़ा नोटी टाइप का, मेरी टाइप का, एडवेंचरस टाइप का। और ये है मेरा बसंती साइकिल पॉलीगन प्रीमियर 5। बाकी इधर हम लोग का घर में बहुत सारा मुर्गियाँ है, ये है काला वाला मुर्गियाँ, और ये मुर्गी को हमने दाग का अंडा दे दिया, उसका दाग पैदा किया मतलब हंग्स। और ये हम लोग का पीछे वाला घर, हम लोग का आगे वाला घर मतलब बिल्डिंग टाइप का है, पीछे वाला मतलब कच्चा है, जहाँ में हम लोग किचन वगैरह ये सब का काम करते हैं। हम लोग का घर के बीसों बीस एक नारियल का पेड़ है, अगर ऊपर से नारियल गिरता है तो इधर सीधा गिरते है और आवाज़ निकलते है बूम फायर।
और मैंने इधर छोटा छोटा टाइप का बोनसाई प्लान किया है, ये बोनसाई का, ये पीपल का पेड़ है। बाकी इधर मैं थोड़ा बहुत अभी मतलब कटिंग करके थोड़ा प्लान कर रहा है ये बागन बेलिया या क्या बोलते हैं उसका। और बाकी आप लोग को क्या बताऊं, बाकी हम लोग आसाम का वीडियो दिखाएंगे जाएंगे, आप लोग बस कमेंट कीजिए कैसा लगा मेरा वीडियो। और जो मैंने पेड़ दिखाया था वो है, उसका फ्लावर्स ऐसे आएगा इस टाइप का। यही कुतिया, यही मुर्गिया, अरे भाई इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया। बाकी ठीक है, बाय बाय टाटा। और सबको आसाम आना है मेरा फ्रेंड्स लोग को, तुमको मैं पूरा आसाम घुमाऊंगा मेरा बसंती 2.0 के साथ, इसमें कैरियर लगा के बिठा के सबको। और ये एक चीज़ बताना भूल गया, और ये हम लोग का मछली पकड़ने का इंस्टॉलमेंट, जहाँ मैं मतलब मस्ती इधर से घुसते इधर ज़रा, मैं इसका भी डिटेल्स वीडियो बताऊँगा, आप लोग बस मुझे कमेंट कीजिए गोगोई आसाम का ये वीडियो दिखाओ, ये वीडियो दिखाओ, हम देते जाएंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, बनते रहे गोगोई सेवन के साथ, और आपका सभी का दिन शुभ मंगल, सब कुछ हुए, राहु केतु शनि सब कुछ चला जाइए, बस खुशी रखिए, मस्त रखिए।